गुड आफ्टरनून। आज से अपने ब्लॉग की शुरुआत इस समय से कर रही हूँ। समय हो रहा है 12:26 और मैं ड्यूटी ख़त्म करके घर आ रही हूँ। कुछ रास्ते में ऐसे प्लांट्स फेंके हुए मुझे दिखे, तो ये देखिए मैं गिरने लगी थी, ये प्लांट्स मैं उठा के लाई हूँ। अभी जैसे ही मैं घर में जाऊँगी तो जाके सबसे पहले इन प्लांट्स को लगाऊँगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओहो, इतना गंद ये डाल जाती है बिल्लियाँ वगैरह, देखिए। और मैं पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, नहीं दिखा सकती हूँ, इतना गंद यहाँ पे पड़ा हुआ है। मतलब बिल्ली ने पॉटी कर दी ताला। बस अब घर में हो गई एंट्री, और घर में एंट्री के बाद होगा घर का सारा काम धाम। आज दरवाज़ा क्लोज कर लूँ, आज कोई नहीं आने वाला है, मतलब सावित्री की सफाई करने के लिए आज नहीं आने वाली है। इस तरह के जो मैं प्लांट लाई हूँ ना, इसे जब भी लगाना हो तो देखिए, जैसे ये वाले हैं, बहुत इजी होता है, देख रहे हैं, ये एरोहेड इसको बोलते हैं, हमारे घर के लिए, द्वार के लिए। और वैसे ही आजकल मिट्टी बचाओ अभियान चल रहा है, तो जितनी हम ग्रीनरी हरियाली लगा करके अपने घर में रखेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने एटमोसफेयर को शुद्ध, और हवा जो है हमारी शुद्ध रहेगी। तो ये देखिए लग गया, कितने ईजली लग गया। अब इसमें थोड़ा सा और पानी मैं डाल दूँगी, लगाने के बाद इसमें हमें पानी डाल देना होता है। और ये देखिए, ये भी इतने खूबसूरती से ये लग गया, और ये जब फैलता है, इसकी बेलें ऐसे लटकती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ऐसे ही मैं जितने भी गमले में लगा दूंगी, और ये पॉट में मैं लगा दूंगी। और साथियों, प्लांट्स मैंने लगा लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए थे, इत्मीनान से आके मैं कमरे में बैठ गई। और जब मैंने मोबाइल देखना शुरू किया तो मुझे याद आया कि हमारे बहुत सारे साथियों ने परसों जो मैंने वीडियो डाला था, और रंगीन बचपन सीरीज जो मैंने शुरू किया है, उसमें मैंने अपने साथियों से कहा था कि आप सब अपने बचपन की कुछ अच्छी अच्छी यादें, या जो भी ऐसी जो कि हमेशा आपको अपने परिवार के हर सदस्य की याद दिलाती है और जोड़ती है, आप लिख करके भेजिए। तो कल वाले वीडियो में मैंने शीला जी का इंसिडेंस जो था, उनकी लाइफ का मेमोरी जो थी, वो मैंने डाली थी। और आज हमारे एक साथी हैं राजीव कुमार यादव जी, लिखते हैं कि मेरी लाइफ का इंसिडेंस, मैम मैं करीब 7 साल का था और नानी के घर माँ के साथ गया था, शादी थी, और वहाँ पे जो बाबर आते हैं सबकी हेयर कट करने के लिए वो आए हुए थे। तो माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी भी हेयर कटिंग करवा देता हूँ, देती हूँ, पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे नई कटिंग करवानी है। फिर भी माँ ने बिठा दिया, और बिठा करके मेरा हेयर कट करवा दिया। हेयर कट करवाने के बाद वो मुझे नहलाने के लिए ले गई, और मैं गुस्से में था, मुझे तो इसी बात का गुस्सा था कि मुझे तो बाल कटवाना नहीं था, क्यों कटवा दिया। अब माँ जो है नहला भी रही थी, पिटाई भी साथ साथ में कर रही थी, और बोली जा रही थी लगातार, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मुझे अपने घर जाना है, मतलब अपने पापा के घर जाना है। तो माँ ने कहा कि ठीक है, नहला देती हूँ, नहलाने के बाद तुम चले जाना जहाँ जाना है। अब माँ ने नहला दिया, और जो बाबर थे वो सबकी कटिंग करके चले गए, मैं भी उनके पीछे पीछे निकल गया। और माँ ने सोचा कि थोड़ी दूर तक जाएगा, अपने वापस आ जाएगा, पर मैं आपको बताऊं कि मैं वहां से चलते चलते, इतना अंदाजा था मुझे कि नानी के घर से जो हाईवे है, हाईवे के किनारे नानी का घर था, तो मुझे इतना पता था कि इस हाईवे पर चलते चलते ही सीधे मेरे पापा का घर आ जाएगा। और मैं चलता चला गया, और लोगों ने सोचा कि ये कहीं खेल रहा होगा, और चलते चलते मैं 28 किलोमीटर चला गया। जब बहुत देर तक मैं घर नहीं पहुंचा, वापस लौट के नहीं आया, तो मेरी खोज शुरू हुई, और खोज शुरू हुई तो सबका घर में रो रो के बुरा हाल था। इधर नाना नानी के घर में सब रो रहे थे, पापा को खबर किया गया, वो भी रो रहे थे। फिर पापा घर से ढूंढने के लिए निकले, और मैं घर के बहुत करीब करीब तक पहुंच गया था, तो पापा ने वापस आ रहे थे मुझे ढूंढते हुए, मैं उनको मिला, उन्होंने गले से लगा लिया। और दादी जब घर पहुंचा तो बहुत रो रही थी, दादी चाचा का बुरा हाल था, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, पापा बड़े हैं, वही सब देखते हैं। फिर दादी को हम भी लिपट के खूब रोए। ऐसे ही घटना हमको बहुत याद आती है, सब बोलते थे कि कोई तुमको गाड़ी पे बिठा के ले जाता तो मैं फिर थोड़ा घबरा जाता हूँ। अब मैं 30 साल का हो गया हूँ, और अभी भी नानी के घर की ये घटना याद आती है तो मैं बहुत ही रोमांचित भी होता हूँ, और डर भी लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। जी राजीव जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन यही तो है बचपना, बचपन में इंसान क्या कर जाता है। और इसीलिए मैंने आप सबसे ये बात कही है कि बचपन की वो घटनाएं जो हमें रोमांचित कर रही हैं, उसे आप सब लिख करके बताइए, मैं जरूर बताऊंगी।
और देखिए इतने दिनों के बाद आपसे जब मैंने ये कहा तो आपको ये घटना याद आई और सबकी याद आ गई ना, नानी नाना दादा दादी चाचा सबकी याद आई है। तो सबसे एक बार फोन करके बात करने की कोशिश कीजिएगा और सबको मेरा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और हमारे और कोई साथी जो भी अपने बचपन की घटना इस रंगीन बचपन सीरीज में डालना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो प्लीज आप सब मुझे भेज सकते हैं, मैं इंतजार करूंगी। घर का छोटा मोटा काम करते करते इतना टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला 9:15 बज गए। और जब मैं आई, मुझे भूख सी लगी तो मुझे लगा कि क्यों भूख लग रही है, और रात में वैसे खाना खाती नहीं हूँ लेकिन काम इतना ज़्यादा करो कि सारा खाना हो गया मेरा डाइजेस्ट। और आप सब मुझे देख रहे हैं शीशे में वहाँ पे, और मैं जब बहुत भूख लगी तो देखिए अभी 9:15 बज गए, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए 9:15 हो गए और बहुत तेज़ भूख लगी। तो मैंने कहा कि भैया अब तो इस टाइम में खाना बनाने की हिम्मत है नहीं मेरे में, तो मैगी मंगवाया मैंने अभी फ़ोन करके दुकान से, और मैगी दे के गया है, तो ये मैगी बना रही हूँ और मैगी खाऊंगी मैं। और अभी फिलहाल तो मैं सोने नहीं जा रही हूँ, अभी इतनी मुझे नींद नहीं आ रही है, और वैसे भी कल संडे की छुट्टी है तो कल अगर थोड़ी देर से भी उठूंगी तो कोई बात नहीं है। बहुत सारा काम मैंने आज जो है निपटा लिया है, तो सुबह 6 बजे तक भी उठूंगी तो चलेगा मुझे ऐसा लगता है। बट पानी चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए आपको उठना ही पड़ता है, इन्हें हम आपको 5 बजे उठ के मोटर चलाना पड़ता है। अगर मोटर नहीं उस टाइम मिस कर गए तो फिर उसके बाद पानी की बहुत मुश्किल होती है, और जिस इलाके में हम रहते हैं यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है। तो ये सारी बातें, आज दिन भर का यही सारा काम था। अगर आज का वीडियो आप सब लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हमारे और साथी बढ़ेंगे। तो आपसे फिर मिलते हैं कल, तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।